पहले जी न्यूज को नंबर वन न्यूज चैनल बनाने के लिए आपका शुक्रिया। 22वें हफ्ते में दर्शकों ने जी न्यूज को सभी न्यूज चैनल्स में सबसे ऊपर रखा। हिंदी स्पीकिंग मार्केट के 15 प्लस ऑल कैटेगरी में जी न्यूज नंबर वन है। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक दलों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया। प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में भारत की मूल भावना को समझाने की कोशिश की। आरएसएस के कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत में राष्ट्रवाद वसुदेव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। मुखर्जी ने कहा कि राष्ट्रवाद आक्रामक और विध्वंसक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की परिभाषा वही है जो नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताई है। हिंदू मुस्लिम सिख एंड अदर ग्रुप्स इन इंडिया दैट डज नॉट मीन द एक्सटिंक्शन ऑफ एनी रियल कल्चर कल्चरल और ऑफ एनी ग्रुप बट इट डज मीन ए कॉमन नेशनल आउटलुक टू व्हिच अदर मैटर्स आर सबॉर्डिनेटेड अनकोट। प्रणब मुखर्जी ने देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान एकता और सहिष्णुता में है। भेदभाव और नफरत करने से देश को खतरा है। नेशन इज डिफाइंड एज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम कल्चर लैंग्वेज और हिस्ट्री एंड इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर स्टेट और एरिया। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि देश पर 12वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने धावा बोला। After losing the battle at Tarai, Delhi was captured by the Muslim invaders. The next 600 years were the Muslim rules. इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति ने सरकार को भी संदेश देते हुए कहा कि सरकार की कोशिश गरीबी से लड़ाई की होनी चाहिए। प्रजा सुखे सुखं राजो प्रजानं च हिते हितं नत्मप्रियं हितं राजो प्रजानंतु प्रियं हितम। आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे प्रणब मुखर्जी ने डॉक्टर हेडगेवार को भारत मां का सच्चा सपूत बताया। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की जन्मस्थान पर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विजिटर बुक में लिखा, आज मैं यहां भारत माता के एक महान सपूत के प्रति अपना सम्मान जाहिर करने और श्रद्धांजलि देने आया हूँ। इस मौके पर प्रणब मुखर्जी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक साथ मंच पर नजर आए। मोहन भागवत ने कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी को बुलाने पर उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि प्रणब मुखर्जी को कैसे बुलाया गया, ये चर्चा निरर्थक है। उनको कैसे बुलाया और वो क्यों जा रहे, ये चर्चा निरर्थक है। संघ संघ है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी है और रहेंगे। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संघ एक लोकतांत्रिक विचारों वाला संगठन है और इसका काम लोगों को जोड़ना है। हिंदू समाज में एक अलग प्रभावी संगठन खड़ा करने के लिए संघ नहीं है, संघ तो संपूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है और इसलिए हमारे लिए कोई पराया नहीं। संघ के कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी के जाने पर जो कांग्रेस हाहाकार मचा रही थी उसने अब यू टर्न ले लिया है। कल तक प्रणब मुखर्जी का विरोध कर रही कांग्रेस अब उनकी तारीफ कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संघ के मंच से संघ को ही आईना दिखाया है। श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा का पाठ आरएसएस के मन से आरएसएस को पढ़ाया। आरएसएस की आंख और आत्मा पर जो मकड़ जाल जड़े हैं उनको उतारने का प्रयास भी किया। प्रणब मुखर्जी के भाषण का हवाला देकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। मोदी सरकार को भी प्रणब मुखर्जी साहब ने राजधर्म की याद दिलाई। जिस प्रकार से संस्थाओं पर एक छदम राष्ट्रवाद का हवाला देकर हमले हो रहे हैं उनकी याद दिलाते हुए भी श्री प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस और भाजपा खास तौर से प्रधानमंत्री जी को याद दिलाया कि हमारे देश में राष्ट्रवाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म है।
कार्यक्रम से पहले कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी का जो विरोध किया था वो सोनिया गांधी के इशारे पर किया गया था। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नेताओं को प्रणब मुखर्जी की आलोचना करने का निर्देश दिया था। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने अहमद पटेल से कहा था कि ट्वीट करें कि प्रणब दा आपसे ये उम्मीद नहीं थी। संघ के मंच से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जो संदेश दिया उसका कांग्रेस बीजेपी समेत सभी सियासी दल अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल सकते हैं। संघ और बीजेपी दावा कर सकती है कि आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को महान बताकर और गुरु गोलवलकर को फूल चढ़ाकर प्रणब दा ने उनके विचारों को मान्यता दी। आरएसएस की विचारधारा का कांग्रेस विरोध करती है। प्रणब ने उसी के संस्थापक को महान बताया। गांधी की हत्या के बाद जिस गुरु गोलवलकर को जेल में रखा गया प्रणब ने उन्हें फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। प्रणब ने कांग्रेस की लाइन के खिलाफ भारत पर हमला करने वाले मुस्लिमों को आक्रमणकारी बताया। प्रणब ने चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का जिक्र किया लेकिन मुगल शासकों का नहीं। प्रणब ने कहा भगवान राम देश की शांति के लिए आदर्श पुरुष है। वही संघ के मन से प्रणब ने नेहरू गांधी और धर्मनिरपेक्षता की बात कहकर कांग्रेस के आदर्शों को भी सम्मान दिया। प्रणब ने संघ के मंच से नेहरू गांधी की धर्मनिरपेक्षता की बात कही। प्रणब ने कहा कि नफरत असहिष्णुता राष्ट्रीय पहचान के लिए खतरा है। प्रणब ने कहा कि बहुलवाद धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता देश में जरूरी है। प्रणब ने कहा राष्ट्रवाद कभी उग्र नहीं हो सकता। प्रणब ने राजधर्म की सीख दी। कहा जनता की खुशी ही राजा की खुशी है। हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई मिलकर ही राष्ट्र बनाते हैं। वही संघ पूर्व राष्ट्रपति को मंच देकर ये संदेश देने में कामयाब रहा कि वो विरोधी विचारधारा वाले नेताओं को लेकर भी सहनशील है और ऐसा करके संघ ने वैचारिक छुआछूत वाली विरोधी राजनीति को कमजोर किया। अपने दो दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शांति का संदेश तो दिया साथ ही अलगाववादियों और पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर घाटी के लोगों से शांति बहाली के लिए आगे आने को कहा है। राजनाथ ने घाटी की तकदीर और तस्वीर बदलने का सरकार का वादा दोहराते हुए कहा कि पहली बार पत्थरबाजी करने वाले बच्चों से केस वापस लिया जाएगा। हुर्रियत नेताओं पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग घाटी के बच्चों को ढाल बनाकर राजनीति कर रहे हैं। जो भी खेल खेलना हो, जो भी राजनीति करनी हो, लोग करें, लेकिन बच्चों के साथ भविष्य कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। जम्मू कश्मीर के बच्चे केवल जम्मू कश्मीर के ही फ्यूचर नहीं है, भारत के फ्यूचर है। राजनाथ ने राज्यपाल एनएन वोरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात की। राजनाथ ने पाकिस्तान से कहा कि अगर वो आतंकवाद से नहीं निपट पा रहा तो हमसे मदद ले ले। और कभी कभी तर्क देते हैं कि हम भी आतंकवाद को रोकना चाहते हैं। आप यदि आतंकवाद को नहीं रोक पा रहे हो तो अपने पड़ोसी देश का सहयोग क्यों नहीं लेते हो आतंकवाद को? गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज आरएसपुरा जाएंगे जहां वो स्थानीय लोगों और बीएसएफ के जवानों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक और मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 9 जून को चीन के क्विंगदाओ शहर पहुंचेंगे। यहां एससीओ समिट से अलग पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच 43 दिन के अंदर ये दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले मोदी 27-28 अप्रैल को चीन के वुहान शहर गए थे। वहां उन्होंने शी जिनपिंग से अनौपचारिक मुलाकात की थी। उम्मीद है कि 9 तारीख को होने वाली मुलाकात में दोनों नेता पिछले दौरे में हुई बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। एससीओ की बैठक 9 और 10 जून यानी 2 दिन चलेगी। इस दौरान पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे। दोनों नेताओं की 20 दिन में दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले मोदी 21 मई को रूस गए थे। वहां सोची शहर में उन्होंने पुतिन से अनौपचारिक मुलाकात की थी। एससीओ समिट में पीएम मोदी आतंकवाद की बढ़ती चुनौती से निपटने और एससीओ देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं। बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पटना में महाभोज से भी बात बनती नजर नहीं आ रही। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने और 2019 की रणनीति पर चर्चा के लिए कल पटना में एनडीए का भोज हुआ। करीब 8 साल बाद बिहार में एनडीए के नेता एक साथ बैठकर खाना खाते नजर आए।
लेकिन आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस भोज से नदारद रहे, हालांकि उनकी पार्टी के कई नेता इसमें शामिल रहे। एनडीए का बैठक होगा, उसमें तय होगा कि कौन हमारा अगला मुख्यमंत्री बनेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कि दो को बैठेंगे और डिसाइड हो जाएगा। हमारा प्रश्न बरकरार है, सरकार रहेगा, बाकी भोज है, हम लोग को भूख लगी है, जा रहे खाना खाने। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये ऑल इज वेल है और ऑल इज वेल आगे भी रहेगा। और ये तो सामान्य प्रक्रिया है, परिवार में भी ऐसा होता है, कभी मिल बैठ के जब बात करेंगे तो चीजें अच्छी हो जाती है, अच्छी हो। जायका बहुत बढ़िया है और माहौल भी बहुत बढ़िया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संपर्क पर समर्थन के तहत चंडीगढ़ में अकाली दल के नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात। दोनों नेताओं के साथ बंद कमरे में शाह ने काफी देर बात की। दोनों पार्टियों के बीच पिछले कुछ वक्त से रिश्तों में खटास की बात कही जा रही थी। शिरोमणि अकाली दल एनडीए में बीजेपी का सहयोगी दल है। पिछले लोकसभा चुनाव में अकाली दल बीजेपी गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। वहीं पिछले साल पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन तीसरे नंबर पर रहा था। चंडीगढ़ में अमित शाह ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह से भी मुलाकात की। भीम कोरेगांव हिंसा मामले को लेकर गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी की मुश्किल पड़ सकती है। भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में जिग्नेश मेवाणी पुणे पुलिस के रडार पर है। पुणे ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रविंद्र कदम ने कहा, मेवाणी एल्गार परिषद के कार्यक्रम में मौजूद थे, जो कि भीमा कोरेगांव संघर्ष के 200 वर्ष पूरे होने के रूप में आयोजित किया गया था। अगर जरूरत पड़ी तो मेवाणी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। वहीं पुणे पुलिस ने बताया कि भीमा कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में बुधवार को गिरफ्तार सभी लोग प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। पांचों लोगों का प्रतिबंधित माओवादी संगठन से संबंध है, ये पुरावे हमारे सामने आए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कोरेगांव भीमा में जो हिंसा हुई उसके लिए ये लोग जिम्मेदार थे क्या, ये अभी अपने तफ्तीश का भाग है, अपने इसके तपास का भाग है। पुलिस को दिल्ली से गिरफ्तार रोना विल्सन के लैपटॉप से एक चिट्ठी भी मिली, जो मिलिंद तेलतुंबड़े ने रोना को लिखी थी। इस चिट्ठी में प्रकाश अम्बेडकर और कांग्रेस नेताओं के नाम है। यूपी के एक अस्पताल में एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही ने 5 लोगों की जान ली। कानपुर मेडिकल कॉलेज के LLR हॉस्पिटल के ICU में 5 मरीजों की मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल के ICU का AC प्लांट खराब हो गया था, जिसके बाद भीषण गर्मी और उमस की वजह से 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 4 मौत के बाद मैनेजमेंट की नींद खुली। प्रिंसिपल साहब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहां तो 4 मौत का रोज का आंकड़ा है। 24 डेज का ही एवरेज है, ज्यादा बढ़ा नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर है कि AC खराब होने से दिक्कतें मरीजों को हुई, उनके साथ वालों को हुई हैं, लेकिन ICU के मॉनिटर्स, ICU के बजट सब काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ AC का इशू है और AC की वजह से डेथ होने का कोई मतलब ही नहीं होता। मरीजों के घर वालों ने बताया कि पिछले कई दिनों से AC काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। पेशेंट मर रहा है तो मर ही रहा है, बिल्कुल मतलब यहाँ AC तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। पंखा अलाउ नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं सर, वहाँ खड़ा होना दुश्वार है सर। घटना की जानकारी मिलने के बाद ADM भी अस्पताल पहुँचे। AC अभी भी खराब है, मैंने देखा AC खराब है, इस समय भी खराब है और DM साहब को जैसे संज्ञान में आया उन्होंने 2 AC यहाँ भिजवाने की व्यवस्था की है और इसके साथ साथ इनको भी कहा गया कि ठीक से जो सिस्टम है उसको ठीक करवाएं जल्दी से। गुरुग्राम में नौकरी से निकाले जाने पर एक व्यक्ति ने कंपनी के HR हेड को गोली मार दी। ये घटना दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है, जहां जापान की नामी कंपनी के HR हेड को गोली मार दी गई। गोली मारने का आरोप कंपनी के ही एक पूर्व कर्मचारी पर है। 3 दिन पहले ही जोगेंद्र नाम के एक व्यक्ति को HR हेड ने नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। गुरुवार को कंपनी के HR हेड दिनेश शर्मा जब दफ्तर जा रहे थे, उसी वक्त बाइक सवार कुछ लोगों ने उन्हें गोली मार दी। गोली उनकी गर्दन में लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर है। पुलिस ने कंपनी के पूर्व कर्मचारी जोगेंद्र और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जहां पर जो पीड़ित शिकायत करता है उन्होंने पुलिस को ये सारी वारदात के बारे में बताया, जिस पर जो आरोपीगण है जोगेंद्र और जो दयाचंद माथुर जो 7-8 आदमी अन्य हैं उनके खिलाफ शिकायतकर्ता ने शिकायत दी है, जिस पर रेलिवेंट सेक्शन के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है।
हैदराबाद में आधुनिक भारत की झलक अब आपको सड़कों पर बने बस स्टॉप में दिखाई देगी। एसी वाईफाई से लैस किए गए हैं सभी बस स्टॉप्स। ये है हैदराबाद में बना नए भारत का बस स्टॉप जिसमें एसी लगा हुआ है, फ्री वाईफाई है, टॉयलेट, चार्जिंग स्लॉट, एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन, पानी, एटीएम, सीसीटीवी, पंखा, कैफे, टिकट काउंटर की भी सुविधा दी गई है। अंदर का फैसिलिटी वाईफाई का है, एलईडी लाइट्स का है, तो अच्छा है, तो बैठने की सुकून है, जो साउंड का प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छा है। आई थिंक सो इट विल बी द बिगेस्ट स्टेप टुक बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बस स्टॉप को बनाया जा रहा है। इन सभी को चार श्रेणियों में बांटा गया है, भीड़ के हिसाब से सुविधा दी गई है। इस तरह के कुल 826 बस स्टॉप बनाए जाने हैं जिनका काम शुरू हो चुका है। भूख के सामने कोई भी विवश हो सकता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, कहा जा रहा है कि तस्वीर गुजरात के ऊना की है। इसमें कुछ लोग एक शेरनी को परेशान करते दिख रहे हैं। शेरनी भूखी है और लोग हाथों में मुर्गा पकड़े उसे ललचा रहे हैं। देखा आपने कैसे ये लोग भूखी शेरनी के सामने हाथ में मुर्गा लेकर उसे ललचा रहे हैं। वो खाने के लिए आगे बढ़ती है तो वहां मौजूद लोग मुर्गी को पीछे खींच लेते हैं। शेरनी परेशान है लेकिन वहां मौजूद लोग मजे ले रहे हैं। इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि अगर वो भड़क जाए तो क्या होगा। अगर शेरनी लोगों पर हमला कर दे तो वो कैसे बचेंगे। काफी देर तक ये लोग शेरनी को परेशान करते हैं और फिर मुर्गे को उसकी तरफ फेंक देते हैं। मुर्गा मिलते ही शेरनी उसे लेकर वहां से चली जाती है। इस पूरे मामले में 7 लोग शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 अहमदाबाद के और 4 स्थानीय हैं, जिनमें से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है।